हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारे से होटल मैनेजमेंट सिस्टम की टोटल सीरीज चल रही है, जिसमें हम लारावेल और एंगुलर 8 का यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आइए इसे हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में एंगुलर के फुल टेक्स्चर को डिस्कस कर चुके थे कि एंगुलर का फुल टेक्स्चर किस तरह का होता है, वो किस तरह की उसकी वर्किंग होती है। आज हम देखेंगे लारावेल का जो फुल टेक्स्चर है वो किस तरह का, क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में एंगुलर जी 8 को भी हम यूज़ कर रहे हैं एंड लारावेल को भी यूज़ कर रहे हैं। तो एंगुलर 8 हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और लारावेल हम आज देखेंगे। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने प्रोजेक्ट जो था वो इंस्टॉल किया था, हम इसे रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लोकल में देख लेता हूँ क्या मैं जेम्प ऑन है या नहीं, क्योंकि जेम्प पर ही चलता है लारावेल। तो देखिए हमारा जेम्प ऑन है। तो मैं लिखेंगे लोकल स्लैश ट्यूटोरियल, देन यहाँ पर है एंगुलर लारावेल प्रोजेक्ट, देन यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक, तो हमारा लारावेल का वेलकम पेज आ जाता है। कुछ टाइम के बाद पेज लोड होगा, देन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो लोड होगा और प्रोजेक्ट का यहाँ पर हमें वेलकम स्क्रीन दिखेगी। तब तक हम हमारे इस प्रोजेक्ट फोल्डर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेलोड का, उसका हम उसका आउटपुट देख लेंगे और तब तक हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, जैसे से यहाँ पर फोल्डर में भी देख सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पर जाते हैं डिस पीसी के अंदर, देन सी ड्राइव एस टी डॉक देन ट्यूटोरियल, और ये हमारा पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसे मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन किया हुआ है, जिसे मैं आपको यहाँ पर इजिली बता सकता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा फोल्डर होता है वो होता है ऐप फोल्डर। ऐप फोल्डर रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन को, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड जितनी भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उसकी 95% फाइलें जो होती है वो हमारी एप फोल्डर के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो हमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जो लारावेल है वो एमवीसी पैटर्न पर वर्क करता है। तो एमवीसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो होता है कंट्रोलर, मॉडल व्यू और कंट्रोलर होता है। तो उसमें कंट्रोलर होते हैं, तो कंट्रोलर हमारे एप फोल्डर के अंदर यहाँ पर हम रखते हैं। एप फोल्डर के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर नाम का फोल्डर होता है, इसके अंदर हम हमारे कंट्रोलर्स को रखते हैं, जिसकी लोकेशन होती है ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स फोल्डर, इसके अंदर हम हमारे सारे कंट्रोलर को रखते हैं। सेकेंड थिंग, इसी के अंदर हम सभी मिडिलवेयर को भी रखते हैं। मिडिलवेयर ऐसी एंटिटी होती है जिसको हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैलिडेशन चेक करने के लिए। हम मिडिलवेयर को भी ऐप फोल्डर के अंदर ही रखते हैं। सेकेंड एम थर्ड जो है वो एमवीसी में से ही मॉडल जो होते हैं, मॉडल भी हम एप फोल्डर के अंदर रखते हैं। जब भी हम कोई मॉडल क्रिएट करेंगे तो ये देखिए यूजर्स नाम का एक मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये देखिए ये एक मॉडल है, तो यूजर नाम का ये मॉडल बना हुआ है। तो जितने भी हम मॉडल बनाते हैं वो सभी इसी के अंदर होता है, तो एप फोल्डर के अंदर यहाँ पर मॉडल बनते जाते हैं। तो हमारे कंट्रोलर, मिडिलवेयर और मॉडल हमारे एप फोल्डर के अंदर होते हैं। देन इसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है वो होता है कॉन्फिग फोल्डर। कॉन्फिग फोल्डर के अंदर कॉन्फिगरेशन से रिलेटेड सारी फाइल होती है, उसमें जो पहली फाइल है वो है एप डॉट पी एच पी। एप डॉट पी एच पी बेसिक फाइल है, इसके अंदर आपकी बेसिक के ऐप का नेम है, हमारे पास लारावेल जो आता है। देन उसके बाद हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जितने भी यू आर एल सेट करते हैं हम प्रोजेक्ट का, यू आर एल, एसेट्स का पाथ, साथ ही साथ टाइम जोन कौन सा है हमारे इसका, और अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर सारे जो प्रोवाइडर्स है, हम किसी भी फाइल को अगर कोई हेल्पर बनाते हैं या लाइब्रेरी बनाते हैं उसे लोड करना होता है तो वो भी हम यहाँ पर ही लोड करेंगे। मिडिलवेयर को भी हम यहाँ पर ही लोड करेंगे। यहाँ पर हम एलियास बना सकते हैं जिससे हम यूज करेंगे। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल है वो एप्लीकेशन से रिलेटेड वो हम एप डॉट पी एच पी के अंदर सेटअप करते हैं। देन इसके बाद होती है ऑथ डॉट पी एच पी। हम जानते हैं कि लारावेल एक बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम देता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती है वो सब ऑथ डॉट पी एच पी से मैनेज होती है। देन उसके बाद जो फाइल है इंपॉर्टेंट इसमें वो है डेटाबेस डॉट पी एच पी। डेटाबेस डॉट पी एच पी में डेटाबेस से रिलेटेड हर प्रकार की सेटिंग होती है। यहाँ पर ई एन वी के फंक्शन कॉल है, क्योंकि हम फ्रंट पे अभी देखेंगे कि एक डॉट ई एन वी फाइल होती है जिसमें हम डेटा सेट करते हैं, वही डेटा यहाँ पर सेट होगा। तो हम डेटाबेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैनुअली चेंज नहीं करेंगे, डॉट ई एन वी फाइल में चेंज करेंगे तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। तो हम देखेंगे कि डॉट ई एन वी फाइल क्या है, यहाँ पर जो ई एन वी फंक्शन कॉल हो रहा है और डेटाबेस की सेटिंग हम ई एन वी के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं, तो हम देखेंगे आगे। देन उसके बाद इसमें जो फाइलें होती है सेशन से रिलेटेड फाइल है, जिसमें
हम सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आप जानते हैं सेशन सेव होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपको सेशन किस टाइप से आपको सेव करना है, उसे आप फाइल में सेव करना चाहते हैं या डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, तो वो सारी सेटिंग सेशन डॉट पीएचपी में होती है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड सारी सेटिंग कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर जितनी फाइल है उनका यूज़ करते हुए करते हैं। देन नेक्स्ट है डेटाबेस फोल्डर। यहाँ पर हमने कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल लिखी थी जिसमें हम डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करते हैं, लेकिन डेटाबेस फोल्डर के हम अंदर हम डेटाबेस से रिलेटेड कोडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो लारावेल है इसमें माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आप डेटाबेस का स्कीमा बना सकते हैं, माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम हमारे आने वाले वीडियोस में इसके लिए माइग्रेशन बनाएंगे, तो जो माइग्रेशन होते हैं वो भी डेटाबेस के अंदर होते हैं। देन जो सीट्स होती है, सीट्स बेसिकली आप यूज करते हैं डमी डेटा के लिए। अगर आपको बहुत सारा डमी डेटा चाहिए तो आप सीट्स बना लेते हैं और उससे आपके डेटाबेस में डमी डेटा की एंट्री हो जाती है। तो इस तरह के वर्क के लिए डेटाबेस फोल्डर का यूज किया जाता है, तो उसके अंदर हम माइग्रेशन देन सीट्स का यूज करते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट फोल्डर पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर नाम से ही इसका आपको दिख रहा है कि पब्लिक, ऐसा फोल्डर जो पब्लिकली यूज किया जा सकता है। तो पब्लिकली किसी भी साइट में इमेजेस और सीएसएस जेएस फाइल पब्लिकली यूज होती है, तो इसके अंदर हम एसेट्स से रिलेटेड फाइल रखते हैं। हमारी जितनी भी एसेट्स होती है हमारे प्रोजेक्ट की, जिसमें हम इमेज सीएसएस जेएस वो सभी हम इसके अंदर रखते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट फाइल है रिसोर्स फाइल। रिसोर्स फोल्डर के अंदर हम रखते हैं हमारी व्यू फाइल। जितने भी हम व्यू बनाएंगे ब्लेड सिंटेक्स के, वो सभी हमारे रिसोर्स फोल्डर के अंदर, व्यू फोल्डर के अंदर होंगे। एमवीसी में से केवल जो वी है व्यू, वही रिसोर्स फोल्डर के अंदर होते हैं, बाकी के कंट्रोलर और मॉडल हमारे ए फोल्डर के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पर हम व्यू जो रखते हैं वो रखते हैं हम हमारे रिसोर्स फोल्डर के अंदर। देन नेक्स्ट है राउट्स। राउट्स फोल्डर के अंदर दो फाइलें होती है, एक एपीआई डॉट पीएचपी, देन वेब डॉट पीएचपी। अगर आप एपीआई लेवल पे काम कर रहे हैं, मोबाइल एपीआई बना रहे हैं या किसी तरह की वेब सर्विस लिख रहे हैं, तो आप एपीआई डॉट पीएचपी के अंदर राउटिंग करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। अगर अदरवाइज आप अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो आप वेब डॉट पीएचपी के अंदर राउटिंग करते हैं। हम दोनों को यूज करके देखेंगे दोनों में डिफरेंट क्या है हमारे आने वाले ट्यूटोरियल में। देन उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज बेसिकली लारावेल का एक फीचर है जिसमें आप पब्लिक के अंदर जो भी फाइलें रखते हैं, अगर आप पब्लिक के अंदर कोई फोल्डर बनाते हैं स्टोरेज नाम से और उसे आप लिंक कर देते हैं इस फोल्डर से, तो जो भी आपका डेटा होगा उसका बैकअप इसके अंदर रहता है। तो ये एक तरह से बैकअप फीचर का काम करता है स्टोरेज। देन इसके बाद टेस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर नहीं होता है। देन वेंडर इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। वेंडर के अंदर आप जितनी भी डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट के लिए डाउनलोड करते हैं वो सारी डिपेंडेंसी आपकी वेंडर फोल्डर के अंदर होती है। तो वेंडर फोल्डर एक तरह देखा जाए तो लाइब्रेरी फोल्डर, जिस तरह से हमने एंगुलर में नोड मॉड्यूल फोल्डर देखा था उसी तरीके से लारावेल के अंदर वेंडर फोल्डर होता है। देन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था डॉट ई एन वी फाइल का, कि हम इसके अंदर डेटाबेस की सेटिंग करते हैं और वो यूज होती है। तो हम डेटाबेस की सेटिंग डॉट ई एन वी फाइल के अंदर करते हैं और इस डॉट ई एन वी फाइल में जो भी हम कंटेंट सेट करते हैं, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेंट बने हुए हैं, तो ये कॉन्स्टेंट हमारे डेटाबेस डॉट पी एच फाइल में यूज होते हैं। तो इस फाइल में हम जो भी लिखेंगे वो वहां पर सेट हो जाता है। तो हम डेटाबेस की सेटिंग ई एन वी फाइल में करते हैं, ना कि डेटाबेस डॉट पी एच फाइल में, लेकिन बैक एंड पर डेटाबेस डॉट पी एच फाइल चलती है। देन लास्ट एक और फाइल है हमारे पास जो है कंपोजर डॉट जेसन। कंपोजर डॉट जेसन प्रोजेक्ट की एक तरह से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसके अंदर प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है, टाइप क्या है, देन डिस्क्रिप्शन, वर्जन हमारे प्रोजेक्ट का कौन सा है, इसमें कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज हो रही है, उनके क्या क्या वर्जन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी इस फाइल के अंदर होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। अगर हमारा प्रोजेक्ट करप्ट होता है तो हम कंपोजर अपडेट कमांड चलाते हैं, तब जो हमारा प्रोजेक्ट रिकवर होता है वो इसी फाइल के थ्रू होता है। अगर आपकी ये फाइल में कुछ मिस्टेक हो चुकी है तो आपका प्रोजेक्ट रिकवर होने में दिक्कत आएगी। तो इस फाइल को आप सबसे ज्यादा संभाल कर रखें और इसमें जितना ज्यादा हो सके चेंजेस ना करें। कभी कंडीशन में जरूरत पड़े तभी आप इसमें चेंजेस करें, अदरवाइज इसमें आप चेंजेस ना करें। तो ये फाइल हमारे इसलिए यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जिसमें हम लारावेल का हमने फोल्डर स्ट्रक्चर देखा, जिसमें हमारे, मैं आपको एक बार रिकॉल करता हूँ, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट फोल्डर होंगे, तो हम जो मेन का वर्क करेंगे वो करेंगे एफ फोल्डर के अंदर। कंट्रोल एफ फोल्डर के अंदर हमारे कंट्रोलर और मॉडल होते हैं, इसलिए हम एफ फोल्डर के अंदर ज्यादा वर्क करेंगे। देन राउट्स में हम वर्क करेंगे क्योंकि लारावेल के सारे फंक्शन राउट्स के बिना कॉल नहीं होते, तो हम राउट्स के अंदर भी वर्क करेंगे। देन रिसोर्स के अंदर भी हम वर्क करेंगे। तो ये हमारे मेन फोल्डर होंगे जिसमें हम रिसोर्स, राउट्स एंड एफ फोल्डर का यूज करेंगे। बाकी के फोल्डर यूज होते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं होते, इतने तीन फोल्डर होते हैं। तो आप एक बार इन फोल्डर्स की स्टडी कर लें कि ये फोल्डर की वर्किंग क्या है, और एक बार इन्हें रिकॉल कर लें क्योंकि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में यही फोल्डर्स यूज होंगे। तो फ्रेंड्स अभी किसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें,
और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप प्रोजेक्ट के सोर्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।